ये हमारा एनएस का इन्वर्टर आ चुका है जो आज हम इस इंस्टॉलेशन में इस्तेमाल करेंगे। ये आप देख सकते हैं, हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं सामने, तमाम जो पेपर वर्क है ये सामने आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी एक केबिल है जो इसके साथ ही आती है। ठीक है, ये बेसिक वापडा के लिए होती है, चार्ज के लिए। उसके अलावा ये हमारा इन्वर्टर है, ये देखें। सबसे मेन हिस्सा जो है ये फैन का है, ये सोलर वाला हिस्सा है। सोलर वाला है ये? जी, सोलर वाला है। एक मॉडल इसका 12 वोल्ट सिंगल बैटरी है, ठीक है, 24 वोल्ट डीसी, 1 किलो वाट जो है वो 12 वोल्ट सिंगल बैटरी ऑपरेटेड है, ठीक है, और डबल बैटरी 24 वोल्ट D2 के भी है, ठीक है, यानी कि 1800 वाट, ठीक है। लिखा लें इसको थेरी में से बाहर, निकाल वोल्ट यहाँ पे रिकमेंड किया हुआ कंपनी, ठीक है। इसके अलावा एक और मुझे इसके पावर, तो ये अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये देखिए, ये एनएस का इन्वर्टर है। इसके अंदर जो वायर्स होती हैं वो मच होती हैं इसकी, ठीक है। ये हमने बिल्कुल न्यू 0 मीटर, ये देखें आप, जबरदस्त। और ये इन्वर्टर, इसकी खासियत की अगर बात करें तो इस इन्वर्टर पे आप 10 पंखे का लोड बआसानी डाल सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद जो लाइटें वगैरह, जो आपके घर पे जितनी भी लाइटें हैं वो आप इस पर लोड डाल सकते हैं। इसके अलावा इस पर कंप्यूटर्स, सीसीटीवी कैमरा और मज़ीद बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आप चला सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर वार्निंग इशू भी आता है, जितना आप लोड चलाएंगे वो इसके ऊपर परसेंट के ऊपर आपको चेक करके बताएगा। इसके अलावा 4 बटन यहाँ पर आते हैं, जो एक मिनट, जो आपको ऑन ऑफ का बटन देखने को मिलेगा, एक ऊपर नीचे करने के लिए, सेटिंग के लिए और ऑप्शन को इंटर करने के लिए। ये 4 बटन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये बॉक्स में बना हुआ है, ये देखें आप, ये इस तरीके से तमाम चीज़ें मेंशन होती है। एक नीचे वापडा का आपको बता रहा होता है और ऊपर एम्पेयर का बता रहा होता है। जब आप सोलर इंस्टॉल करेंगे तो सोलर का साइड में इंस्टॉलेशन दिखाएगा, ठीक है। तो जल्दी से हम इसकी इंस्टॉलेशन मुकम्मल करते हैं और पूरा कंप्लीट आपको दिखाएंगे फिर उसके बाद, और बाकायदा लोड चलाकर भी दिखाएंगे।